नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष एजुकेशन समाचार पर। इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, यदि आपने आधार कार्ड में 14 जून तक यह काम नहीं करवाया तो आपका आधार कार्ड हमेशा के लिए डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो जान लेते हैं इस वीडियो में इससे संबंधित कि आधार कार्ड से संबंधित नई अपडेट क्या आ रही है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो आशीष एजुकेशन समाचार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी प्रकार के एजुकेशन न्यूज़, रोजगार समाचार, आगामी भर्तियों की घोषणा, रिजल्ट्स, आंसर कीज और दैनिक समाचार, यह सभी अपडेट सबसे पहले प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ले चलते हैं इस समय की बहुत ही बड़ी खबर के साथ यह वीडियो। जी हाँ, आधार कार्ड में न्यू अपडेट है, 14 जून तक आप ये काम अवश्य करवा लें, नहीं तो आपका आधार कार्ड जो है हमेशा के लिए डीएक्टिवेट हो जाएगा। जान लेते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है और आपने पिछले 10 साल से अपडेट नहीं कराया है, यानी उसमें किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं करवाया है, उसको अपडेट अभी तक नहीं करवाया है और 10 साल पहले उसको बनाया था और बीच में आपने उससे संबंधित कुछ भी अपडेट नहीं कराया है, तो यह आपके लिए चिंता का विषय है। जान लेते हैं इसके संबंध में और महत्वपूर्ण अपडेट, क्योंकि UIDAI ने एक सूचना जारी करके बताया कि जिनका आधार कार्ड पिछले 10 साल से अधिक पुराना है और अभी तक एक बार भी अपडेट नहीं कराया है, तो 10 साल से पुराने सभी आधार कार्ड धारकों को अपना आधार कार्ड अपडेट कराना आवश्यक है। जी हाँ, UIDAI के द्वारा यह महत्वपूर्ण जो है निर्देश दिया गया है। अगर आप अपने आधार कार्ड को 14 जून 2023 तक अपडेट नहीं कराया तो इसके लिए आप वंचित हो सकते हैं, जिनमें कि कई सरकारी सेवाओं का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। इसके लिए अपने आधार कार्ड को 14 जून 2023 तक बिल्कुल मुफ्त में अपडेट करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे संबंधित भी UIDAI ने जो है महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। जान लेते हैं इसकी और महत्वपूर्ण अपडेट है, आप बने रहे वीडियो के अंत तक, इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। जी हाँ, अपडेट कराने के लिए आपको जो है बिल्कुल शुल्क नहीं देना होता है, लेकिन UIDAI की सूचना के मुताबिक 14 जून तक अपने आधार कार्ड को आप निःशुल्क अपडेट करा सकेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बता देता हूँ, इससे संबंधित सिर्फ आपको सर्विस 15 मार्च से यह शुरू हो चुकी है और यह सर्विस जो है आप बिल्कुल अपडेट जो करा सकते हैं 14 जून से पहले तक, वह 15 मार्च से शुरू हो चुकी है। अगर आप अपने पुराने आधार कार्ड को UIDAI के द्वारा दी गई समय के अंदर अपडेट नहीं कराते तो आपको बहुत ही सरकारी योजनाएं जैसे कि बैंकिंग सेवाएं, वित्तीय सेवाएं जो भी है उनसे आप वंचित रह सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आधार कार्ड आज के समय में कितना ज़रूरी है हम सभी के लिए, हर प्रकार की जो है सरकार की योजनाओं या किसी भी प्रकार की जो है सरकारी अपडेट्स के लिए। तो यही थी इस समय की बहुत बड़ी खबर आप सभी के लिए, आधार कार्ड से संबंधित न्यू अपडेट जो कि आपको इस वीडियो में बताई गई है। तो आप सभी 14 जून से पहले, यदि आपने 10 साल पहले आधार कार्ड बनाया था और उसमें किसी भी प्रकार का कोई अपडेट नहीं करवाया है, तो आप सभी अवश्य इसको अपडेट करवाएं और आप अपने आसपास में जो भी है उनको भी इस विषय में अवगत करवाएं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार की एजुकेशन न्यूज, रोजगार समाचार, आगामी भर्ती घोषणा, रिजल्ट, आंसर की और दैनिक समाचार के लिए आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करें। मिलते हैं आपसे एक नई ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।